Good morning, dear kids. How are you all? I hope you all are would be fine. Today, I am going to deliver you a grammar topic of your subject. And the name of this topic is sentence reordering. Sentence reordering is a very main topic of your grammar portion. And we also know it with the jumble words name. So let's start. Jumble words और sentence reordering. इसे समझने से पहले हमें किसी भी sentence का structure क्या होता है, what is the structure of a sentence, that means which things we include in a sentence. So which things that are subject, every sentence has a subject. कोई भी subject जो बात कर रहा है, ठीक है, वो होता है हमारा सब्जेक्ट, विषय. सेकेंड वर्स इज हेल्पिंग वर्ब. वॉट इज द हेल्पिंग वर्ब? इज, एम, और, वॉज, वर, हैज, हैव, दैट्स ऑल द हेल्पिंग वर्ब्स. सेकेंड वन इज एक्शन वर्ब. वॉट इज द एक्शन वर्ब? एक्शन वर्ब इज दैट, दैट इज द मेन वर्ब, लाइक ईटिंग, रीडिंग, वॉकिंग, टैकिंग, ड्रिंकिंग, ऑल द वर्ड्स वी टेक इन द एक्शन वर्ब. सेकेंड इज ऑब्जेक्ट. द सब्जेक्ट इज टॉकिंग अबाउट मैन, मतलब जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जो हम बात कर रहे हैं वो ऑब्जेक्ट होता है. जैसे कि आई एम टॉकिंग विथ यू. आई सब्जेक्ट, एम हेल्पिंग वर्ब, टॉकिंग एक्शन वर्ब, विथ यू, यू मेरा क्या हुआ? ऑब्जेक्ट हुआ. यानी हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो हमारा क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है. अदर वर्ड्स, इसके अलावा जो भी सारे वर्ड्स होते हैं वो किस में आते हैं? अदर वर्ड्स में आते हैं. इसके अलावा जो भी आपके वर्ड्स, दैट्स ऑल यू हैव इन द सेंटेंस, अपार्ट फ्रॉम सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, एक्शन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ऑल वी टेक इन द अदर वर्ड्स. ओके, नेक्स्ट वी हैव अ एग्जाम्पल हियर. माई टीचर हैज ट्रेंड मी टू सॉल्व सच क्वेश्चंस. माई टीचर इज सब्जेक्ट हियर, has helping verb, trained action verb, me object. me हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं, okay, जैसे मेरे बारे में बात कर रहे हैं और my teacher बात कर रहा है, तो वो हो गया subject. to solve such questions, what is the to solve such question? other words. ये सब क्या हुए? हमारे other words हुए. now we are talking about the question that we have in the exam. ओके, एग्जाम में हमारे पास में कुछ वर्ड्स जंबलिंग ऑर्डर में दिए हुए होते हैं. उन जंबल वर्ड्स को हमें एक मीनिंगफुल वर्ड में, मीनिंगफुल सेंटेंस में चेंज करना होता है. वो होता है सेंटेंस रीऑर्डरिंग. ओके, सो वी हैव सम एग्जांपल्स हियर. एंड स्पेस ऑब्लिक कंक्लूड ऑब्लिक एयर कॉमा टाइम ऑब्लिक वी हैव ऑब्लिक हेल्प ऑफ oblique with me oblique scientific invention. Here now we are going to arrange this jumble words in a proper sentence. So first of all we have to find the subject. Is example mein hame sirf ek hi subject dikh raha hai, that is we have. After that the action verb concurred, we have only one word, that is we take as a helping verb, concurred. Air, time and space, okay, these words we take as a helping verb. After that, with the help of scientific invention, okay. किसके बारे में हम बात करें? Air, time and space object हो गए, और सारे other words with the help of scientific invention, okay. So first of all we take subject. After that, have, helping verb, concurred, main verb, air, time and space, hamara, object and with the help of scientific invention, other words. Now, the other example, light up, oblique, in every home, oblique, good, oblique, the lamp, oblique, books, oblique, magazines, oblique, and and oblique of oblique knowledge. Okay, here we don't have any word
दैट्स वी टेक एज अ सब्जेक्ट. सो वॉट वी कैन डू इन दिस सिचुएशन, वी टेक विथ वॉट एवर वी टॉक अबाउट. हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम बुक्स एंड मैगजीन्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो क्या बता रहे हैं वो, हमें सेंटेंस का मीनिंग समझ में आ रहा है, तो हमें यहाँ कौन सा ऐसा वर्ड दिख रहा है जो इन चीज़ों को एडवर्ब दे रहा है, तो गुड, गुड बुक्स एंड मैगजीन. ओके, लाइट अप, लाइट अप करना, दैट मीन्स हमारा मेन वर्ब, किसी को जगमगाहट देना, चमकना. अब चमकता क्या है, लैम्प. सो ऑब्वियस इसके बाद क्या आएगा, द लैम्प ऑफ नॉलेज इन एवरी होम. क्या हो गए हमारे, अदर वर्ड्स हो गए. तो सेंटेंस क्या मेक हुआ, गुड बुक्स एंड नॉलेज लाइट अप द लैम्प ऑफ नॉलेज इन एवरी होम. नेक्स्ट वन, टिथ ऑब्लिक वन ऑब्लिक द ऑब्लिक नेग्लेक्ट ऑब्लिक ऑफ ऑब्लिक बॉडी ऑब्लिक द ऑब्लिक आर ऑब्लिक ऑफ ऑब्लिक मोस्ट ऑब्लिक पार्ट्स. हियर वी टेक ओनली वन वर्ड एज अ सब्जेक्ट. वॉट इज दिस, दिस इज टिथ. टिथ प्लूरल, ऑब्वियस यहाँ पर हमारे पास एक ही हेल्पिंग वर्ब शो हो रहा है, आर. टिथ्स आर वन ऑफ द, ठीक है, किसके बारे में हम बात करें, टिथ्स के बारे में, तो किसके लिए बात कही गई होगी, टिथ्स के लिए. टिथ्स आर वन ऑफ द मोस्ट नेग्लेक्टेड, नेग्लेक्टेड वर्ड एज अ मेन वर्ब. सो वॉट इज द सेंटेंस, टिथ्स आर वन ऑफ द मोस्ट नेग्लेक्टेड पार्ट ऑफ द बॉडी. ओके, लास्ट वन, आइसक्रीम ऑब्लिक अ गुड वे ऑब्लिक अ हॉट डे ऑब्लिक ईटिंग ऑब्लिक ऑन ऑब्लिक कैन ऑब्लिक बी ऑब्लिक कूल ऑफ ऑब्लिक टू. हियर नॉट अ सिंगल वर्ड इज शोइंग हियर एज अ सब्जेक्ट. सो इन दिस सिचुएशन वी टेक व्हाट्स द वर्ड विच हैव द आई एन जी विद देम. ओके, इसको जीरण भी कह सकते हैं, जीरण भी यहाँ पे यूज हुआ है ईटिंग, तो हम कौन से वर्ड को लेंगे यहाँ पे, जिसके साथ में हमेशा, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम यही होगा कि जब हमारा मेन वर्ब के साथ में आई एन जी लगा हुआ और कोई भी अदर वर्ड्स हमको एज अ सब्जेक्ट नहीं शो हो रहा है, तो हमको वही वर्ड एज अ सब्जेक्ट यूज करना है. ईटिंग, यहाँ पे ईटेबल थिंग हमें कौन सी दिख रही है, आइसक्रीम, तो क्या आएगा ईटिंग के बाद, आइसक्रीम. ईटिंग आइसक्रीम ऑन अ हॉट डे, ओके, कैन बी अ गुड वे. गुड वे हमारा गुड क्या हो गया, गुड बेटर बेस्ट हमारा मेन वर्ब हो गया. कैन क्या है हमारा, इधर हेल्पिंग वर्ब के वर्ड में यूज हुआ है. तो ईटिंग आइसक्रीम ऑन अ हॉट डे कैन बी गुड वे टू कूल ऑफ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड आउट द सब्जेक्ट, आफ्टर दैट हेल्पिंग वर्ब, आफ्टर दैट मेन वर्ब, आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट, एंड इन द एंड वी विल टेक ऑल द रिमेनिंग वर्ड्स एज अवर अदर वर्ड्स. ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, अगेन ट्राई टू प्रैक्टिस दिस ऑल ऑफ सेंटेंसेस एंड टेक सम अदर सेंटेंसेस इन अ जंबल फॉर्म, एंड आफ्टर दैट ट्राई टू मेक अ प्रॉपर मीनिंगफुल सेंटेंस विद द रीऑर्डरिंग दैट वर्ड्स. ओके किड्स, आई होप यू एंजॉयड दिस ग्रामर टॉपिक. थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, गुड डे, टेक केयर.